का शुभारंभ हुआ है केंद्रीय विश्वविद्यालय में, धर्मशाला के विधायक हैं, किस प्रकार से देखते हैं क्या? देखिए, अच्छी बात है। पूरे देश भर से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहाँ से जो वुमेन वेट लिफ्टिंग की ये प्रतिभागी हैं, खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर धर्मशाला में आए हैं। 12 तारीख तक ये आयोजन चलेगा और मुझे लगता है कि इससे जो एक्सपोजर है बच्चों को वो भी मिलेगा और धर्मशाला के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। एक तरह से अपने आप में स्पोर्ट्स हब के रूप में भी धर्मशाला जो है वो निखरता हुआ आ रहा है और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। अभी हाल ही में मुंबई गए थे आप प्रदेश के उद्योग मंत्री के साथ, उम्मीद की जा सकती है कि धर्मशाला के लिए कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे आप? देखिए, हमने प्रस्तावित किया है कि धर्मशाला जिस तरह कनेक्टिविटी की वजह से एयरपोर्ट यहाँ साथ में है तो फिल्म सिटी जो है वो यहाँ पर विकसित की जाएगी, जिसके लिए लोगों ने इच्छा भी जाहिर की है और प्रयास हमारा ये रहेगा कि लगभग 2 साल के अंदर उसको तैयार कर लिया जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों को, पर्यटकों को भी एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, साथ में रोज़गार के साधन जो है वो उससे खुलेंगे। आईटी पार्क को लेकर भी लगातार आप वचनबद्ध है, क्या कहेंगे? देखिए, काम उसका चला हुआ है, अभी उसका विस्तार होना है और भूमि उसके साथ पड़ी हुई है, उसके लिए भी आवेदन आ चुके हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो फर्स्ट फेज़ है वो दिसंबर तक इसी साल उसको पूरा कर लिया जाएगा और वो सुचारू रूप से चलने लगेगा। सेकंड फेज़ को भी अगले एक वर्ष में पूरा कर लेंगे। और भी अन्य स्थान देखे जा रहे हैं आसपास जहां पर इस तरह के छोटे आईटी हब जो हैं उनको हम यहां डेवलप कर सकें। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के कुछ एक क्वेरीज जो हैं वो पिछली मीटिंग में उठी हैं। 27 मार्च को दिल्ली में अगली मीटिंग है और एक दो जो उनकी अब टिप्पणियाँ थी उनके ऊपर पूरे जवाब जो है बना करके भेज दिए गए हैं। टेंडर भी हो चुके हैं दोनों कैंपसेस के, काम भी चल रहा है, लेकिन ये विभागीय औपचारिकताएँ होती हैं। निस्संदेह रूप से मुझे लगता है कि निश्चिंत रहना चाहिए, जिस तरह से प्रारूप तैयार किया गया है दोनों जगह कैंपस बनेंगे।